ऊंचे दाम में किताब बेचने के चक्कर में साइबर क्रिमिनल ने खाते से उड़ा लिए 65,000। दरभंगा प्लस टू का किताब बेचने पर ऊंची दाम मिलने के लिए ओलेक्स का सहारा लेना बच्चे एवं पिता को महंगा पड़ गया। बच्चे ने 1200 रुपए में किताब बेचने के लिए ओलेक्स पर डाला था। साइबर क्रिमिनल ने बैंक खाते से 65,000 रुपए उड़ा लिया, जिसका का मामला लहरियासराय थाने में दर्ज कराई गई है। थाना क्षेत्र के बालोदिया ट्रेडर्स के पीछे दुर्गा विला निवासी गोपाल कुमार सिन्हा के पुत्र पुष्पेश आनंद प्लस टू का परीक्षा देने के बाद किताब का अधिक राशि मिले उसके लिए उसने किताब का नाम ओएलएक्स पर डाल दिया। साइबर क्रिमिनल ने मोबाइल पर संपर्क किया और उनके पुत्र से बताया कि मैं फिलहाल महाराष्ट्र में हूँ, मेरा एक दोस्त है वह बुक लेगा, लेकिन किताब का पैसा मैं आपके खाते में डाल दूंगा। साइबर क्रिमिनल के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर खाता नंबर डाल दिया। खाते पर 1 रुपया साइबर क्रिमिनल ने भेजा। उसके कुछ ही देर बाद फिर साइबर क्रिमिनल ने बताया कई बैंक के द्वारा दिए गए QR कोड देने को कहा। QR कोड देने के थोड़ी देर बाद खाते से 65,000 रुपए बारी बारी से दूसरे खाते में साइबर क्रिमिनल ने स्थानांतरित कर लिया। साइबर क्रिमिनल से गोपाल कुमार सिन्हा ने जब संपर्क किया तो उसने बताया कि आप अपना एक कैंसिल चेक और आधार कार्ड का फोटो भेजिए, मैं आपके पैसे को वापस कर देता हूँ। साइबर क्रिमिनल के द्वारा बताए गए दोनों कागजात भेज दिए, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद से मोबाइल नंबर बंद हो गया। गोपाल कुमार सिन्हा श्रीराम फाइनेंस से कर्ज लिया था, कर्ज का पैसा खाते में जमा था। 2-3 दिन बाद जिस व्यक्ति से उन्होंने कर्ज लिया था वे यह पैसा देने वाले थे। बच्चे ने पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऊंचे दाम मिले इसलिए ओलेक्स सहारा लिया था। लहरियासराय थाना अध्यक्ष चयन सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की तहकीकात कर कार्यवाही की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।